जूनागढ़ और गिरनार की ओर से प्रदीप मेहता का जय गुरुदास। पूरे 29 साल बाद एक खास संयोग का निर्माण होने जा रहा है। दरअसल 14 जनवरी दोपहर 2:30 पर ब्रह्मांड के अधिनायक सचराचर जगत के आत्मा कहे जाने वाले और जिनकी वजह से ही पृथ्वी पर जीवन संभव है, वह सूर्यदेव महापरिवर्तन करने जा रहे हैं। और यह परिवर्तन मेष राशि वालों के लिए इसलिए महत्वपूर्ण होने जा रहा है क्योंकि 14 जनवरी से शनिदेव का अपने पिता सूर्य के साथ 29 साल बाद मिलन होने जा रहा है। सूर्य शनि का जब भी दुर्लभ योग बनता है तो वह महापरिवर्तन लाते हैं। साथ में ग्रहों के राजा सूर्य का स्वागत शनि के साथ बुध भी मकर राशि में करेंगे। इस तरह 14 जनवरी को त्रिग्रही संयोग बनेगा जिसके कारण देश दुनिया में बड़े परिवर्तन होंगे। मौसम में गर्माहट आने लगेगी। देश में सफेद वस्तुओं के दाम बढ़ेंगे। सोने के दाम में गिरावट होगी। पश्चिम के देशों के साथ भारत के रिश्ते मजबूत होंगे तो पड़ोसी देशों से रिश्ते ठीक ठाक हो जाएंगे। दुनिया भर में फैली महामारी 2 महीने के अंदर में भारी गिरावट आ जाएगी, लेकिन सबसे बड़ा असर आपकी राशि मेष राशि पर इसीलिए पड़ेगा क्योंकि आपकी कुंडली में सूर्य यश भाव के लोड होकर व्यापार भाव में स्थित है तो उनकी पूर्ण दृष्टि सुख भाव पर है। एक बार दृष्टि आपके विदेश भाव और प्रेम भाव पर पड़ रही है। इसके कारण 29 साल बाद शनि बुध और सूर्य के मिलन से महाबदलाव शुरू हो जाएगा। तो आइए जानते हैं आने वाले समय के बारे में। सूर्य राशि परिवर्तन जनवरी 2021 आपके लिए अनुकूल स्थिति पैदा करने वाला सिद्ध हो सकता है। 14 जनवरी से ही आपके कई रुके हुए कार्य पूर्ण होने लगेंगे तो आपको जॉब में पदोन्नति के साथ इंक्रीमेंट मिल सकता है। इसके अलावा जो जातक स्वयं को अच्छे रूप में प्रस्तुत करने के प्रयासरत है, चाहे वह कार्य हो, व्यवसाय हो, व्यापार हो, तो निश्चित तौर पर अपनी योग्यता एवं काबिलियत के दम पर स्वयं को अच्छे से प्रस्तुत करने में सफल रहेंगे। सूर्य के प्रभाव के ही चलते आप सफलता व श्रेष्ठता प्राप्त करने के लिए सारी सीमाओं को तोड़ देंगे। इसका ही नतीजा होगा कि समय आपकी कोई मनोवांछित इच्छा पूर्ण हो सकती है। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा तो विद्यार्थी जातक जो शिक्षा प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील है, चाहे वह उच्च पद के लिए या फिर जॉब इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें इस वक्त सफलता मिल सकती है। रोजगार प्राप्ति के प्रयास सफल हो सकते हैं। जो जातक योग्यता एवं डिग्री होने के बावजूद भी करियर को लेकर चिंतित है, उनकी चिंता पूर्ण हो सकती है। यदि आप किसी के साथ साझेदारी में व्यवसाय या फिर व्यापार कर रहे हैं तो वहां पर लाभ हो सकता है। नया व्यापार शुरू करने के लिए भी समय आपको सहयोग रूप बन सकता है। 14 जनवरी से आप जो भी कुछ करेंगे उसमें उच्चता और अंदाज का एक ऐसा स्पर्श होगा जो आपको सफलता के आयाम तक पहुंचाएगा। 20 जनवरी से नई परियोजनाएं जल्द ही ठोस शक्ल ले पाएंगी जो आपके कार्य और व्यवसाय के संदर्भ में जबरदस्त बदलाव लाने के लिए काफी रहेंगे। मेष राशि वालों, यह अवधि में आपको 3 प्रमुख विषयों पर सोचने की आवश्यकता भी रहेगी। घरेलू कारोबार, पारिवारिक मामले, बच्चे व आखिर में खासतौर पर आपकी रत्नात्मकता। पिछले समय में निवेश कर रखा था तो इस वक्त अच्छा खासा लाभ प्राप्त हो सकता है। फिर भी इस अवधि में आपको अहंकार को किनारे रखकर जीवन साथी से प्रियतम से शांतिपूर्वक वार्तालाप करना होगा, वरना आपके रिश्ते में तनाव बढ़ सकता है। यदि आप कोई प्रॉपर्टी क्रय करना चाहते हैं तो अवसर मिल सकता है। सूर्य इस वक्त न केवल आपको अधिकार देगा, पद देगा, प्रतिष्ठा देगा, सम्मान देगा, किंतु मकान, जमीन, जायदाद और परिवार से जुड़े मामलों पर भी लाभ दे सकता है। खासकर जो सरकारी नौकरी, सरकारी सेवा से जुड़े हुए हैं या फिर राजनीति से जुड़े हुए हैं, उच्च स्तरीय प्रशासनिक सेवा कर रहे हैं, फाइनेंसर है, प्रबंधक है, सोने का कार्य कर रहे हैं या फिर खेतीबाड़ी, बीमा एजेंट, विदेशी सेवा, सप्लाई का कार्य कर रहे हैं या फिर इमारत बनाने का कार्य कर रहे हैं, तो आप बड़े लाभ के लिए तैयार हो जाइए। अंतरिक्ष विज्ञान, फोटोग्राफी एवं फिल्मों का निर्देशन से जुड़े जातक भी लाभान्वित रहेंगे। मेष राशि वालों, हर व्यक्ति की कुंडली में सुयोग या दुर्योग विद्यमान रहते हैं। ज्योतिष के कई महायोग है जो व्यक्ति को जीवन की बुलंदियों पर पहुंचा देते हैं, तो कई दुर्योग भी है जो व्यक्ति की भरपूर मेहनत को सफल नहीं होने देते। इसलिए कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाएं। सूर्य इस वक्त आपकी कुंडली में दशम भाव में यानी कि कर्म भाव में विराजमान है, जिसके चलते कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छे लाभ मिलेंगे। यदि आप कार्य की कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त करना चाहते हैं तो वह मिल सकते हैं। धन से जुड़ा हुआ बड़ा लाभ होने का प्रबल योग बन रहा है।
यहाँ तक इस वक्त आपको गुप्त जगह से, गुप्त जरिए से या फिर अनायास धन संपत्ति प्राप्त हो सकती है। चाहे वह कारोबार मुनाफे के रूप में मिले, कार्य क्षेत्र में सहकर्मियों का सहयोग के रूप में मिले, वरिष्ठ अधिकारियों से अच्छे संपर्क के चलते पदोन्नति के रूप में मिले, या फिर संतान से लाभ के रूप में मिले, या फिर जीवन में चल रही समस्या का समाधान के रूप में मिले, या फिर शेयर बाजार करेंसी में बढ़त के रूप में मिले, लाभ अवश्य हो सकता है। विदेशी कारोबार, विदेश संबंधित जातक इस वक्त लाभान्वित रहेंगे। जॉब में से जुड़ी चिंता दूर होगी, जॉब चेंज का भी योग बन रहा है। इच्छित स्थानांतरण मिल सकता है, खासतौर पर जिन प्रेमी के बीच में संबंधों में खटास आ गई थी उनकी खटास दूर होगी। आपके जीवन में अजनबी का आगमन होने से मानसिक तौर पर अब प्रसन्न रह सकते हैं। इस समय गुप्त संबंध, अचानक से होने वाले लाभ के साथ साथ आपके प्रिय से आपको सुख मिल सकता है। तो वही रिलेशनशिप से जुड़े जातक इस वक्त बड़ा निर्णय लेने की ओर आगे बढ़ सकते हैं। विवाह के लिए समय अच्छा रहेगा, फिर भी दीर्घकालीन मामलों पर सोच विचार करके आगे बढ़ना होगा। वाणिज्यिक मामलों में सतर्कता रखनी होगी, किसी अपनों से धोखा मिल सकता है। मौसमी बीमारियों में संक्रमण का खतरा बना हुआ है, इसलिए खान पीन पर परहेज रखें। दत्त महाराज आपकी मनोकामना पूर्ण करें। जय गुरुदत्त, जय गिना।